जैसे कि स्वामी कंपनी है जो कि काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और एप्पल और सैमसंग के पसीने छुड़ा दिया है, जो कि अपना स्वामी मी 11 अल्ट्रा लॉन्च किया था उसने। वो काफ़ी पॉपुलर फ़ोन था और बहुत ज़्यादा फीचर था और बहुत सारे प्रीमियम स्मार्टफोन था उसमें। 120x जूम था जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ थी, पहली चीज़ थी जो कि इतना ज़्यादा आता था कैमरा, यानी कि सुपर जूम था और उतना सैमसंग से अभी आगे हो गया था। ऐसे में सैमसंग S22 अल्ट्रा सैमसंग ने दावा किया था कि 200 मेगापिक्सल कैमरा यूज करेंगे, लेकिन सैमसंग का मोबाइल आएगा एक साल बाद, यानी कि बहुत अभी, यानी कि एक साल बाद अगले मई तक आएगा लेकिन S22 अल्ट्रा। लेकिन स्वामी ने अपना वो भी पिच पर उतर चुकी है, कहा कि हम भी अपना 200 मेगापिक्सल कैमरा लॉन्च करेंगे जो कि अपने स्मार्टफोन में सेंसर लगाएंगे 200 मेगापिक्सल का। ऐसे में स्वामी जल्द ही अपना एक स्वामी मी 12 अल्ट्रा लाता है स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल का, तो ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन बन जाएगा जिसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा आएगा। ये काफ़ी बड़ी बात है और ये स्वामी कर सकता है जल्द ही। और ऐसे में अगर सैमसंग ने ये भी कहा था कि 2025 तक अपना ऐसा कैमरा बनाएंगे जो कि मोबाइल में यूज होगा जो कि 600 मेगापिक्सल का होगा, जो कि हम लोगों की आइज जो होती हैं, आँख होती है, ये 576 मेगापिक्सल होती है, यानी 576 मेगापिक्सल की होती है। ऐसे में 600 मेगापिक्सल कैमरा लाएगा सैमसंग तो काफ़ी बड़ी बात होगी और काफ़ी देखने लायक चीज़ होगी। ऐसे में जल्द ही 200 मेगापिक्सल कैमरा आ सकता है क्योंकि लीक्स आ रही हैं बहुत तेज़ी से, और सैमसंग S22 अल्ट्रा में भी यूज होगा ऐसा कैमरा 200 मेगापिक्सल का, और मी 12 अल्ट्रा में भी यूज होगा। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन पहले आ पाता है, स्वामी का आता है पहले या सैमसंग का आता है। दोनों ही मोबाइल काफ़ी प्रीमियम हैं और अच्छे भी हैं, जो कि स्वामी का प्राइस थोड़ा लो रहता है यानी कि 80 से 90 हज़ार रहता है, और सैमसंग का रहता है 1 लाख अबव रहता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ऐसी न्यूज़ देखना आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।